Hello students, this is Neeraj Gupta. Today we are starting with a very interesting chapter, The Tiger King. Obviously, it's a fiction. आप इसकी reality के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इसमें सब किस्से कहानी है ये basically. Written by Kalki. कहानी आप सबको पता ही है कि एक राजकुमार का जन्म हुआ, तो भविष्य वक्ताओं को, astrologers को बुलाया गया, उन्होंने prediction की कि that he is born in the hour of bull, so the tiger will be his enemy. And और exact calculation करके उन्होंने बताया कि 100th tiger, 100वां tiger जो है उनको मारेगा. तो उसी समय एक आश्चर्यजनक miracle हुआ एक तरह से, कि वो बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने चिल्ला के बोला, let's tiger beware. खैर बड़ा हुआ, उसने tigers मारने शुरू किए अपने एरिया में, राजा बन गया. जब उसको पता चला, उसने सारे tigers मार दिए. बाद में उसने एक ऐसी जगह शादी की जो और tigers मार सके, तो होते होते 99 टाइगर्स मार दिए. आखिरी टाइगर जब नहीं मिला, तो उसके वजीर ने, उसके दीवान ने एक मद्रास से, पीपल्स पार्क से एक बूढ़ा टाइगर ला के दे दिया. गलती से वो मरा नहीं जब उसको गोली मारी, वो ऐसे बेहोश हो गया. बाद में उसके सैनिकों ने उसको मारा. तो एक तरह से वो, उसने मारा नहीं था, तो अब स्टोरी का जैसे हिस्सा है, तो वो बात वो पूरी एक तरह से नहीं कर सका, और उसको ये लगा कि मैंने पूरी कर दी. फिर फाइनली एक वुडन टॉय उसने खरीदा, और उस में को कील सा कुछ निकली हुई थी, वो उसके हाथ में चुभ गई, इन्फेक्शन हो गया, और फिर राजा मर गया. तो कुछ इस तरह से ये स्टोरी है, टाइगर किंग की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन ब्रीफ मैंने एक डेढ़ मिनट में आपको बताई, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती है, राइट. तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है. तो महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. प्रतिबंधपुरम, ये जगह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, प्रतिबंधपुरम. एंड उसका नाम जो था वो बहुत ही बड़ा था. इज आल्सो नोन एज हिज हाइनेस जमीदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत व्याग्रह समहारी, महाराजा दिराज, विश्वभूम सम्राट, श्री जिलानी, जंग बहादुर एम एडी एसीटीसी और सीआरसी के. इन शॉर्ट ही इज कॉल्ड टाइगर किंग. टाइगर किंग इसलिए बोलते थे बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स, और एटलीस्ट ही ट्राइड, एंड ही एक्चुअली किल्ड 99. सो द प्रोलॉग, प्रोलॉग बोलते हैं इंट्रोडक्शन को. The narrative aims at telling its readers how the Tiger King got his name. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. कैसे मरा? It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise, demise का मतलब death. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold, जो भविष्य वक्ता थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था, that Tiger King would actually be killed by a tiger. तो ये बात पहले से ही बता दी गई थी कि इसको एक टाइगर जो है वो मारेगा. He will actually be killed by a tiger. So that is very important, है ना? That is very important कि अगर किसी को पहले से ही पता चल जाएगी उसकी मौत कैसे होगी. Anyways, स्टोरी है, तो स्टोरी के अंदर ये लिखा है. अब प्रिडिक्शन की हम बात करेंगे. When the prince Pratibandhapuram was born, astrologers predicted that he will grow up to become a valiant. Valiant ka matlab brave and fearless. Ki jo raja hoga, wo bahut brave hoga, fearless hoga. The warrior of warriors, the hero of heroes and the champion of champions. Matlab ek mahan raja hoga apne aap mein wo. The warrior of warriors, the hero of heroes, the champion of champions. Brave and fearless, valiant. Aisa mahan raja hoga. Jab aur pucha, अच्छा और बताओ, जब अच्छी बात कोई सुनता है ना, तो और सुनना चाहता है. तो राजा ने, अभी जो फिलहाल मेन राजा है वो अभी फिलहाल बच्चा है कहानी में, तो और पूछा. तो एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद अ स्ट्रेंज प्रेडिक्शन दैट चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ. देखा जाए तो बड़ी फनी बात की उन्होंने, कहा कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा. अब मरना तो सबको ही है, तो इसलिए फिर और अच्छे से एक्सप्लेन किया दैट ही इज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल. एज ए स्टूडेंट आपको ये याद रखना है क्या हुआ था कहानी, क्यों ऐसी प्रिडिक्शन दी कि टाइगर से मरेगा, क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो उस समय जो स्टार थे वो बैल था. सो बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, है ना. एंड बिकॉज द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर वुड मीट हिज डेथ फ्रॉम द टाइगर. तो उस बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन किया कि इसको बेसिकली एक टाइगर ही मारेगा. ही क्लैरिफाइड दैट इट वुड बी द 100 टाइगर दैट विल किल द किंग. तो ये नहीं कि जो पहला ही उसके सामने आएगा वो 100वां ही टाइगर उसको मार देगा, ऐसा नहीं होगा. 100वें टाइगर से वो मरेगा. अब बच्चे इसमें कई बार मेरे को, जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो मजाक भी करते हैं, सर 100वें टाइगर ने मारना था, अगर वो मारता ही नहीं पहले को ही,
तो सौवां का तो नंबर ही नहीं आता ना। सपोज आप पहला मारोगे तो सेकंड है, दूसरा मारोगे तो थर्ड है, लेकिन अगर आप किसी को मारोगे ही नहीं तो हंड्रेड का क्या मतलब है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बट लेकिन फिर वही बात है कि ये स्टोरी है तो पढ़ते जाओ, देखते जाओ क्या हो रहा है। नहीं खैर, बाय द टेन बट देन द टेन डे प्रिंस, ये लाइन आपको याद रखनी है कि 10 दिन का प्रिंस था, उसने फिर ये बोला लेट टाइगर्स बिवेयर। ये एक मिरेकल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई क्या हुआ था मिरेकल, तो आपको ये मिरेकल बताना है कि 10 दिन का प्रिंस जो है, जब उसने ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन सुनी दैट ही विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, तो उसने जोर के चिल्ला के एक तरह से बोला, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट्स टाइगर बिवेयर। तो उसने बड़ा क्लियरली ये बात बोली कि जो टाइगर्स हैं वो अब मुझसे बचें, मैं उनको बेसिकली मारूंगा। क्योंकि स्टोरी को थोड़ा फनी बनाना था तो इसलिए ये बड़ा ग्रोइंग अप का एक पैराग्राफ डाला हुआ है। नो फर्दर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, विद पासिंग टाइम द चाइल्ड ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। नेचुरली बच्चा था, उसको बनना भी था ना हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तो ऐसा कुछ तो होना ही था। और पूरी तरह से उसको ना वेस्टर्न और ब्रिटिश उसमें जो है वो शुरू किया गया। ही वॉज ब्रॉट अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर लाइक अदर प्रिंसेस। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काओ, ये बड़ा फनी है कि दूध भी जो है वो इंग्लिश काओ का पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन, एंड ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। मतलब पूरी तरह से उसको एक अंग्रेज बच्चा बनाने की कोशिश जो है वो उनके राजा ने की। तो चलिए बस इसको अभी इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा ही रखते हैं, और फिर हम आगे चल के, क्योंकि फिर लंबी कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि किस तरह से जो है वो टाइगर हंट स्टार्ट हुई, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने अब तक ये पढ़ लिया कि उसका जन्म हो गया, प्रेडिक्शन हो गई कि सौवां टाइगर मारेगा, और फिर उसने भी चैलेंज कर दिया कि लेट टाइगर्स बिवेयर, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।